हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक छोटे गांव से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं आज सुबह के करीब 9:30 बजे से। और मैं आई हूँ घर के थोड़े से बगल वाले खेत में, और मैंने यहाँ पर लाई है अपनी गाय, क्योंकि हमारे घर में ना आजकल धूप लेट में आती है और आजकल ना धूप ही अच्छी लगती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो मैंने गाय को ना यहाँ ला दिया है, और यहाँ ना वो कुछ देर तक ना धूप सेकेगी, और उसके बाद ना हम उसको ना घर लेके जाते हैं। आजकल सुबह के टाइम ना हम अपनी गाय को यहाँ पे बांध देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छी से धूप लग जाती है। आपका इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आई हूँ अभी यहाँ पे। अभी हमारा नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ है, अभी बन तो चुका है खाना पीना, लेकिन अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ है। तो एकदम ना मस्त वाली ना धूप खिल रखी है आज। तो आगे समय सहने में अभी आप लोगों को मिलती हूँ। घर जाने के बाद ना जब मैंने गाय को लाया था, तो उसके बाद मैंने निकाला गोबर, और उसके बाद ना मुँह हाथ धुला, और फिर ना हमने खाना पीना खाया। और खाने में हम आजकल ना सुबह के टाइम ही चावल बना देते हैं, तो हमने दिन का खाना भी खा लिया है, और शाम का खाना भी हमारा और दिन का खाना भी हो चुका है। और अभी मैं लेके जा रही हूँ आज खेत से पत्थर, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी लगी है। वैसे तो ना कभी कभी मैं पत्थर लेके जाती हूँ, जब से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो अभी भी आज ना मैं पत्थर लेके जा रही हूँ। और अंशी भी मेरे साथ आ रखी है, उसकी दादी थोड़ा सा ना खेतों में सिंचाई कर रही है, तो वो भी थोड़ी देर में ना इसको देखने आ जाएंगे। तब तक ये मेरे साथ है, और मैं ना इन पत्थरों को लेके जा रही हूँ। तो आज ना मेरा यही वाला काम है। यहाँ पे ना हम पत्थर ला रहे हैं, इन पत्थरों को ना मैं यहाँ पे ला रही हूँ जहाँ पे ना हम दीवार लगा रहे थे, वो है नीचे दीवार, और यहाँ पे रख रहे हैं हम पत्थर। अभी ना मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी, हमने ना बहुत सारे पत्थर ना इकट्ठे कर दिए हैं। जब जब हमको टाइम मिलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके हम ना पत्थर इकट्ठा करते हैं। पत्थर को ले जाते ना मेरे को अभी ना 1 बज गए हैं यहाँ पे, और 10 से 12 चक्कर ना ले गई मैं वहाँ से इस कनस्तर पे पत्थर को। पत्थर मैं ज़्यादा दूर से नहीं लेके जा रही हूँ, घर के आसपास से ही लेके जा रही हूँ। और अभी ना ये थोड़ा बहुत यहाँ पे है, तो थोड़ा बहुत ना इनको लेके जाती हूँ। और गाय को भी मैं अभी ना घर लेके गई हूँ, तो वो भी उसको प्यास लगी थी, तो ना मैंने उसको घर लेके गई। और वहाँ पर भी ना अब, और हमारे घर पे भी ना अब एकदम पूरी सी धूप आ गई है। तो टाइम वैसे तो 12 बजे आ जाती थी, लेकिन आज थोड़ा सा ना लेट हो गया मेरे को, क्योंकि काम में बिजी रही, तो अभी लेके गई मैं उसको घर। अभी थोड़ा बहुत है, अब इनको भी फटाफट से लेके जाती हूँ। और अंशी को भी नहलाना है आज, तो उसके लिए मैंने पानी ना रोड पर रख दिया है, और इनको ख़त्म करके फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को। तो फाइनली मैंने वहाँ से ना अभी पूरे पत्थर ला दिए जो भी हमने ना इकट्ठे कर रखे थे, और यहाँ ला दिए हैं। जब जब हमको ना टाइम मिला, तब तब ना हमने यहाँ इधर उधर से ना पत्थर इकट्ठा किए, और ना बहुत सारे पत्थर ला दिए हैं खेत की दीवार लगाने के लिए। तो यहाँ कुछ पत्थर ना हमने यहाँ पे रखे हैं, इतने पत्थर हमने ना यहाँ पे रखे हैं, और थोड़ा सा पत्थर ना हमने यहाँ पे रखे हैं आगे पे। और थोड़ा बहुत पत्थर ना ये हैं, ये तो बहुत सारे हैं यहाँ पे,
थोड़ा करके ना हमारे बहुत सारे पत्थर ना इकट्ठा हो गए हैं और अब हम ना दीवार लगाएंगे। तो अभी ना फिलहाल हमको मिस्त्री नहीं मिल रहा है तो हम रुके हैं, तो हम ना अपने पत्थर इकट्ठे के जब उनको टाइम मिलेगा, वो कहीं जा रखे हैं, तो ना हम फिर काम शुरू कर देंगे। तो वैसे ना कुछ भी आसान नहीं होता है, लेकिन मेहनत करने से ना सब कुछ होता है, और पहाड़ों में तो ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ना कुछ होता है। तो हमने भी वैसे ही किया आजकल थोड़ा थोड़ा करके, तो पत्थर इकट्ठा कर दिए हैं। तो अभी ना टाइम 1:30 बज चुके हैं और अब मैं अंशी का पानी भी शायद गर्म हो गया होगा, और अब ना मैं अंशी को नहला देती हूँ। वो भी ना मिट्टी मिट्टी सी हो गई है, अभी तो खैर दादी के साथ है, लेकिन आगे समय से ना हम मेरे साथ ही थी तो मिट्टी मिट्टी से हो गई है, तो उसको नहलाना है और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को। और इसको भी रखती हूँ ऊपर। अंशी का पानी इतना भयंकर उबल गया कि क्या बताऊँ। तो ये रहा उसका पानी जो कि मैंने लगा रखा था थोड़ी समय जब मैंने गाय को ना। तो दोस्तों अंशी को नहाने के बाद मैंने धुले थोड़ा बहुत कपड़े, और अभी मैं जा रही हूँ लकड़ी लेने, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, शाम का क्या 4:30 हो चुके हैं, और मैं जा रही हूँ लकड़ी लेने। आज थोड़ा सा ना लेट हो गया, आज मैं सुबह घास के लिए नहीं गई थी, तो गाय के लिए थोड़ा सा ना भीमल काटा अभी तक, तो लेट हो गई मेरे को जाने में, को ना काफ़ी लेट हो गया है। तो मैं ना फटाफट से जा रही हूँ, और आज 4:30 हो चुके हैं, अब तक ना मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ हमेशा। और आजकल मेरा शाम के टाइम पे यही काम रहता है, जैसे मेरे को सरकारी जॉब मिल गई होगी, तो आजकल मेरा यही काम है लकड़ी लाने का, एक एक भारी मैं रोज़ लाती हूँ शाम के टाइम। तो चलो चलते हैं, और आप लोग भी चलिए मेरे साथ। मैं ना गाँव के नीचे आ गई हूँ, और आज इतनी स्पीड से जा रही हूँ ना मैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और बस एक दो लोग दिख रहे हैं यहाँ घास वाले, और तो कोई दिख भी नहीं रहा है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए फटाफट जा रही हूँ मैं अभी। यहाँ पे ना साजी मिल गए हैं और बोले कि तू कहाँ जा रही बल अभी, और इनका आज नया घेरा ला रखा है घास के लिए, तो ये तो मिगड़िया है ये यहाँ पे। और एक ये दीदी है जो यहाँ से आ रही है, इतनी अच्छा। तो एक दी तो चली गई है, और ये सौजी निकाल रहे हैं अभी घास। तो ये हैं अभी, क्योंकि सामने ही जाना मैंने, नहीं तो थोड़ा डर लगता है शाम के टाइम, वैसे तो नहीं लगती है पर लेकिन थोड़ा बहुत लगी जाती है। मैं पहुंच गई हूं अभी यहां, तो मैं ना पहुंच गई हूं अभी यहां, और फटाफट से ना अपनी बाहर लगा देती हूं, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास आज। मेरी भारी भी ना लग चुकी है, और 5 भी बज गए हैं, अब मेरे को ना फटाफट से जाना है, तो भारी मेरी मैंने लगा दी है, और अब उठाने की बारी है, तो उठा तो सकती हूँ, पता नहीं, देखती हूँ। तो उठा दी तो मैंने भारी भारी तो मैंने उठा दी है, पर आज की भारी बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, क्योंकि ये ना मोटी मोटी सी लकड़ी है आज की, तो बहुत ज़्यादा भारी हो रही है। और जो साजी मेरे को ऊपर में मिले थे ना, वो इधर पहुँच गए घास के लिए, क्योंकि ऊपर साइड में कुछ नहीं है घास ना, तो इस साइड आ रखे हैं घास के लिए। मैं ना अभी काफ़ी ऊपर आ गई हूँ, लेकिन आज ना ये भारी बहुत भारी हो रही है, 2 भारी लेके गई मैं, और सबसे ज़्यादा भारी यही हो रही है, पहले दिन भी हुई थी बट आज तो ज़्यादा ही हो रही है। और ये जो पीछे आप ना कट्टा देख रहे हैं ना, तो इसमें ना ढेर सारी सूखी पत्ती डाली है, ताकि लकड़ी ना चुभे ना पीछ पे, तो इसमें ना पत्तियाँ भर रखी है, और फिर ना भारी पे लगा रखी है। भारी लगाने से पहले ही ना इसको रस्सी के ऊपर इसको रखा है, फिर ना लकड़ियाँ लगाई है, तब जाके अच्छा होता है, नहीं तो ना लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा चुभती है, तो इसलिए ना ये कट्टा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और आज बहुत लेट हो जाएगी मेरे को घर जाते जाते, देखती हूँ कब तक पहुँचती हूँ। फाइनली मैं अभी ना गांव के नीचे पहुँच गई हूँ, और अभी रात भी नहीं हुई, थोड़ी देर में हो जाएगी घर जाते जाते। मेरे साजी ने ना मेरे को बोला था कि कब जाएगी और कब आएगी, तो मैं चली भी गई और आ भी गई गाँव के नीचे तक, और उन्होंने ना मना किया, पर मैं ऐसी ही आई।
मैं अभी ना अपने घर के सामने पहुंच गई हैं, और जो पीछे है ना वो हमारा घर दिख रहा है, और ना शाम भी हो गई है, मतलब हल्का सा अंधेरा ना हो चुका है। तो फाइनली मैं ना घर पहुंच चुकी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ना आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।